Hey guys, welcome to Planet of English. So my name is Rajni and uh, today I'll discuss idioms with you people, right? ट so, ऑफ we'll idioms सो so, माई before we start अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में हम जान लेते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं आपका लर्निंग बिल्कुल लाइव रहता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द कोर्सेज एंड एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलबस होता है यहाँ पे रेगुलर डॉक्टरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है मीन्स यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग दैट स्टूडेंट रिक्वायर फॉर टॉप नॉट प्रिपरेशन राइट अंडर वन प्लेटफॉर्म ओके तो ये एक अभी फॉर सी डी एस एफ काट स्टूडेंट्स जो अपियर करेंगे अभी उनके लिए एक नया ऑप्शन है नया मतलब वी कैन से एक नई अपॉर्चुनिटी आई है उनके लिए कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेश, पे लगा सकते हैं एंड यू हैव टू जस्ट पे रुपीज थ्री नाइन नाइन एंड आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन इसका मल, मिल जाएगा और ये अर्ली बर्ड एक्सेस है ये मीन्स ऑफर चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर मीन्स जो इसको जल्द से जल्द लेगा उनको ये फायदा मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी

फोर uh, हंड्रेड तो एक दिन के वो यूं ही उड़ा देते हैं खाने पीने ना, ना। तो ये तो बहुत ही कम अमाउंट है और आपको पूरे एक साल के लिए मिलेगा ये ओके तो ये जज्बा सी ए पी एफ बैचिस शुरू हो चुका है कंप्लीट बैच कोर्स है यस इट हैज स्टार्टेड ऑन फिफ्टींथ ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है तो यहाँ पे आपको सिद्धांत सर इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इनकी कल दो बजे से लेकर थ्री थर्टी तक क्लास है तो कल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज वर्ब तो डोंट मिस द क्लास जल्द से जल्द अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए और जिन्होंने ले, ले, ले लिया है तो डोंट स्किप द क्लास ठीक है डोंट मिस द क्लास एंड इसका आपको सब्सक्रिप्शन सॉरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो क्लास जरूर लगा लेना कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वर्ब ओके okay. तो ये सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है फॉर सी डी एस एफ काट तो अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज़ करते हैं तो यू कैन गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट अप्लाइड ठीक है ओके तो ये सी डी एस एफ कार्ट जो आइकॉनिक का लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये कॉस्ट स्ट्रक्चर रहेगा अगेन सिद्धांत लाइव यूज़ करने पे आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा तो यूज़ कीजिए ये कोड एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तो हम अपना स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं आज का फर्स्ट इडियम क्या है हमारे पास ओके फ्लाई इन फ्लाई इन फ्लाई इन जी इसका मतलब होता है कबाब में हड्डी इट्स मीनिंग इज कबाब में हड्डी बोलते हैं ना हम बहुत बार के यार क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं चुप हो के बैठ जा या फिर हम दोनों को जाने कि कबाब में हड्डी बन रहे द फ्लाईमेंट मीन्स कबाब में हड्डी तो देखो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन देखें हम क्लम्सी no. होता है ठीक है। no. yes, वही ना कोई गुड अच्छी सी सिचुएशन को खराब करने वाला दैट इज वही ना कबाब में हड्डी ठीक है तो आई होप सबको समझ आया तो इट्स आंसर इज सी ओके नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल फ्लाई ऑफ द हैंडल फ्लाई ऑफ द हैंडल मींस आग बबूला हो जाना इन हिंदी में से आग बबूला हो जाना आग बबूला हो जाना तो देखो क्या आएगा इन ऑप्शंस में इसे अगर हम देखें तो क्या आएगा टू लूज सेल्फ कंट्रोल वही ना आग बबूला हो जाना फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स आग बबूला हो जाना दैट मींस टू लूज सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल खो देना अपना खुद का कंट्रोल खो देना ठीक है सूप इन द सूप मीन्स मुसीबत में पड़ना इंदूप मुसीबत में पढ़ना तो इट्स इजी इन ट्राबल इंद सुप मीन्स मुसीबत में पढ़ना इन ट्राबल फाइन आई होप सबको समझ आ रहा है ओके नेक्स्ट इज होल्ड द फोर्ट होल्ड द फोर्ट मतलब उत्तरदायित्व संभालना मीन्स किसी की गैर मौजूदगी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना दैट होल्ड द फोर्ट ठीक है किसी की गैर मौजूदगी में अपने ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना उत्तरदायित्व ठीक है इन हिंदी भी से ना उत्तरदायित्व संभालना किसी की एपसेंस में कह लो या किसी की गैर मौजूदगी में तो क्या आएगा इसका आंसर इट्स आंसर इज डी टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दबसेंस ऑफ सम वन टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दब्सेंस ऑफ सम वन जैसे वी कैन से सेंटेंस uh, हम क्या बना सकते हैं इसका के ही इज होल्डिंग द फोर्ट एज द मैनेजर इज ऑन लीव है ना ओके नेक्स्ट इज ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मींस बहुत ही खुश नजर आना बहुत ही खुश दिखाई देना बहुत ही ज्यादा उत्साह में खुशी में होना दैट इज ग्रीन फ्रॉम इू योर तो इट्स आंसर इज ए टू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी टू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी ओके नेक्स्ट इज टू बी अंडर अ क्लाउड टू बी अंडर अ क्लाउड टू बी अंडर अ क्लाउड मीन्स शक के घेरे में होना शक के घेरे में शक के घेरे में होना That is, क्या होगा इसका अंडर सस्पिशन और क्लाउड मीन्स शक के घेरे में होना नेक्स्ट फेदर योर ओन नेक्स्ट फेदर योर ओन नेक्स्ट इसका मतलब क्या है जी इसका मतलब होता है कि बेमानी से मतलब बेमानी कर आ, पैसों के लिए बेमानी करना यहाँ बेमानी से धनी बनना बेमानी से अमीर बन जाना ठीक है तो देखो क्या होगा इसका दिस टू यूज वास् पोजिशन टू गेट लॉट ऑफ मनी फ्रोन वही ना अपने खुद के लिए पैसा कमाने के लिए किसी की पोजिशन यूज करना तो मतलब बेमानी करके धनी बनना किसी से पैसों के लिए बेमानी करना दैट इज फेदर योर ओन नेस्ट feather your own nest next far cry from something far cry from something means एकदम अलग एकदम अलग far cry from something means एकदम अलग तो देखो क्या हो सकता है a thing that different from something else एकदम अलग far cry from something a thing that different from something else नेक्स्ट फोम एट द माउथ फोम एट द माउथ मीन्स बहुत ही गुस्सा होना फोम एट द माउथ फोम क्या होता है झाग जैसे ऐसे है ना तो मतलब जब गुस्सा आता है तो ऐसे हो जाते हैं ना hmm. <laughs> तो मतलब बहुत ही गुस्सा होना दैट इज टू बी एक्सट्रीमली एंग्री डी बहुत ही ईजी है ना जब मतलब पंजाबी और हिंदी पता चल जाती है एकदम से ऑप्शन में से चूज करना कितना ईजी हो जाता है ना कितने ईजी लग रहे हैं अभी हमें ये तो ओके तो ये अगर आपको समझ आ रहा है मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यस शेयर भी कर देना वीडियो को ठीक है एंड कमेंट कर देना अच्छे अच्छे से फाइन ओके नेक्स्ट टाइटन योर बेल्ट बेल्ट बांध देना नहीं? No. टाइटन योर बेल्ट मतलब कम खर्च करना कम खर्च करना टू स्पेंड लेस मनी दैट इज सी सी टाइटन योर बेल्ट मतलब कम खर्च करना ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं हिट द रोड हिट द रोड अपनी जर्नी शुरू करना यात्रा शुरू करना वीकेंड से यात्रा शुरू करना होता है ना हिट है सोने के लिए जाना तो हिट द रोड मतलब यात्रा शुरू करना टू स्टार्ट अ जर्नी और टू बिगिन अ जर्नी दैट इज हिट द रोड हिट द रोड दैट इज टू बिग टू बिगिन अ जर्नी यात्रा शुरू करना तो आई होप सबको ये समझ आए टुडे वी हैव कवर्ड इलेवन इडियम्स तो आई होप सबको समझ आए विद हिंदी अच्छे से समझ आए होंगे आपको याद भी रहेंगे फॉर लॉन्ग टाइम ठीक है और तो अगेन हम कल मिलेंगे अगेन ईडियम्स ही कल हम करेंगे तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करो याद रखो इनके सेटेंसेस बनाकर देखो सो so दैट आपको याद रहे, वैसे भी हिंदी करी है हमने तो हिंदी में बहुत अच्छे से इनको हम याद कर पाएंगे ठीक है ओके तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर भी कर देना वीडियो को ठीक है एंड अच्छे अच्छे से कॉमेंट कर देना कॉमेंट सेक्शन में ओके तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू